गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है शॉर्ट्स एंड ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं एक नया मैंने कुछ सोचा, मैंने एक पेपर बनाया आज फार्माकोग्नोसी का, जो मॉडल पेपर है। मे भी हो सकता है कि इस जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया इसमें से करीब आपको 60% एग्ज़ाम में आ जाए। ये तो मेरा फिक्स है कि 60% तो आना ही चाहिए इसमें से, और ज़्यादा भी आ सकता, हो सकता पूरा पेपर भी आ जाए। पूरा तो नहीं आएगा, मे भी 60 या 70% तो आना चाहिए इस पेपर में से। तो ये एक मेरा पेपर मॉडल है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। इसका सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी है 2023-24 के लिए। देखो, ईच क्वेश्चंस टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 करना रहेंगे एग्जाम में, और जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा उसका 16 नंबर रहेगा। सारे क्वेश्चन के 16 नंबर रहेंगे। अगर आप 5 कर रहे, मतलब 5 तो आपको करना कंपलसरी है, और आपका जो टोटल नंबर मैक्सिमम नंबर रहेगा वो 80 नंबर्स का रहेगा, और पर क्वेश्चन 16 नंबर में आता है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं, उनको देख लें आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसमें से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राइट डिटेल नोट ऑन एनी टू। इसमें देखो, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन भी आएगा एनी टू, या जो मैंने ये जो डिस्क्राइब किया है ए बी सी, ये डी भी हो सकता है, और यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है एनी थ्री भी। तो मैंने मेनली एनी टू ही लिया। राइट डिटेल नोट ऑन, पहला एक्सप्लेन एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, या डिटेल नोट ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। दूसरा कार्डियोटोनिक एंटीबायोटिक्स। अब ये जो कार्डियोटोनिक है ये मैं आपको बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में जो ड्रग्स आ रही है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन एल्केलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड अलोंग विद देयर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट टू से बना है, यूनिट थर्ड है, और इसके साथ जो एल्कोलोइड और ग्लाइकोसाइड की फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है ये लास्ट चैप्टर है। तो दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी फाइव। अब ये कुछ टोटल 8 हैं, इसमें से आपको किसी 5 पर शॉर्ट नोट लिखना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, डेविल डंग, इसका पता करना ये कौन सी ड्रग है, ड्रग का नाम भी ऐसे आ सकता है। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, एलमंड ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल, ओपियम, लेग्जेटिव, राउ वोल्फिया, नीम एंड टर्मरी। इसमें से कोई से 5 पर आपको नोट्स लिखना है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ मेडिसिनल प्लांट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल इकोनॉमी, एंड डिटेल नोट ऑन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। जो नेशनल इकोनॉमी में जो मेडिसिनल प्लांट है वो कैसा रोल प्ले करते हैं उसके बारे में बताना है, और डिटेल नोट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड राइट इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बताना है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी बताना है, और इसका इवोल्यूशन ऑफ ड्रग का के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें एनी टू है, मैंने 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको कोई 2 करना है। हर्बल कॉस्मेटिक, सर्जिकल किटगट एंड लिक्चर्स, चिंकोना, अश्वगंधा एंड अकेजिया, इसमें से कोई 2 करना है। ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्लेन हर्बल फॉर्मुलेशन, फाइटो केमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेजिन एंड टेनिन, एंटी टीजी। अब ये 3 है, 3 में से कोई 2 करे, पर बनना तीनों ही चाहिए आपसे। यहाँ बनना चाहिए क्योंकि वहाँ हो सकता है ऑप्शन में कुछ और भी आ जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सप्लेन एनी टू, एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हर्ब्स एज हेल्थ फूड। तो ये टोटल पूरे 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से एग्जाम में आपको मे बी 5 करना रहे। 5 तो कंपलसरी है, 5 करना ही पड़ेगा, और मिनिमम आपको पास होने के लिए कम से कम, अगर आपका जो इंटरनल नंबर गया है वो अगर 20 या 15 के समथिंग है एवरेज, तो आपको कम से कम पास होने के लिए 50 नंबर की तैयारी करना पड़ेगी। कम से कम आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। मे बी आपको 50 नंबर तो लाना कंपलसरी ही रहेगा, तो ही आप पास हो पाएंगे। तो ये मैंने पेपर बनाया, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ कमी है तो वो भी बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ये पूरा पेपर है,
होप ऐसा ही पेपर आ जाए। थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ और क्वेश्चन नंबर एट। थैंक यू, जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।